फ्रेंच ब्रेड के लिए आपको क्या इंग्रेडिएंट चाहिए वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले फ्रेंच ब्रेड आप बाज़ार से लेना चाहें बाज़ार से ले लेंगे, अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो आप ख़ुद भी बना सकते हैं, लेकिन सच्ची मैं बताऊं कि मैंने तो बाज़ार से लिए, ठीक है ना। इसके पीसेस हमने काट लिए, आप बहुत मोटे पीसेस नहीं, हमने पतले पीसेस रखे, इस पर हमने बटर लगा लिया, ठीक है। बटर लगाने के बाद मैंने क्या किया है कि इसको मैंने बेकिंग डिश में रख दिया है, तो इसको मैं एक काम करती हूँ अवन में रख देती हूँ, बाकी के इंग्रेडिएंट हम बताते हैं आपको। थोड़ा अवन टेम्परेचर में कम कर देती हूँ, 180 पे कर देती हूँ। अब आप देखिए ये आ गया कलर, हल्का सा इस पर कलर आ गया, ठीक है ना, बहुत अच्छा सा। इसको मैं रख देती हूँ और असेंबल जब करेंगे, जब आप देखिएगा थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। ये चिकन का कीमा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 300 ग्राम, एक प्याज मौजूद है, शिमला मिर्च है, इसके अलावा कॉर्नस है हमारे पास, टमाटर बॉईल किया, बॉईल करने के बाद हमने इसको ब्लेंड कर लिया, तो हम ऑन कर लेते हैं। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून हम डालेंगे ऑयल, एक प्याज बड़े साइज़ की या 2 मीडियम साइज़ की प्याज आप ले लीजिएगा, क्रश किया हुआ लहसुन है, लहसुन को हम फ्राई करेंगे थाइम और ओरिगैनो, कुटी हुई काले मिर्च, तकरीबन 2 टेबल स्पून विनेगर गया, नमक जायके के मुताबिक, कुटी हुई लाल मिर्च, ये इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो शिमला मिर्च और उसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर, यहाँ मेरे पास कॉर्नस रखे हुए, ये 1 कप कॉर्नस, शिमला मिर्च मैंने 1 मीडियम साइज़ की ले ली थी और ये हमारी फिलिंग जो है बेहतरीन सी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर हम वाइट सॉस बना रहे हैं, 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें बटर शामिल करेंगे, मैदा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, इसको भी हम हल्का सा सौते करेंगे कि इसका कच्चापन जो है ना वो दूर हो जाए, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वाइट सॉस बहुत अच्छा मतलब बनता है जब आप उसको मुसलसल चलाते रहेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा अब इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है, अब मैं सबसे पहले यहाँ पे डालूंगी ये दूध, पूरा दूध जो है इसके अंदर शामिल कर दूंगी ताकि अच्छा सा हमारा सॉस बन जाए। ये मैंने इसमें चिकन स्टॉक डाला, ठीक है ना। अब ये डाल के मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए कुक करूंगी ताकि ये थोड़ी सी इसमें एक थिकनेस आ जाए। जायके के मुताबिक डालेंगे हम इसमें नमक, तकरीबन 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, ये चला गया और चूल्हा बंद कर देते हैं। बेहतरीन सा हमारा सॉस जो है वो तैयार हो गया। असेंबलिंग किस तरह से करेंगे ये हम आपको बताते हैं। ये रही हमारे पास डिश, एक तकरीबन 1 टेबल स्पून ये ऑयल चला गया, ग्रीस कर लेते हैं ताकि ये चिपके ना नीचे ना। अब जैसे दिल चाहे आपको इसको रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से रखिएगा अच्छी सी एक लेयर बन जाए ना। अब मैं थोड़ा सा इस पर डालूंगी वाइट सॉस। अब बारी आती है जो हमने बहुत ही मज़ेदार सा कीमे का मिक्सचर तैयार किया था, वो डालेंगे। अगेन हम इस पर थोड़ा सा डालेंगे वाइट सॉस। वाइट सॉस थोड़ा सा हम ऊपर भी डालेंगे, ठीक है जी। बहुत मज़ेदार अच्छा सा आपका ये लज़ानिया बनेगा, आप देखिएगा। चले जी गया चीज़, बिस्मिल्लाह करके। थोड़ा सा इसको हम सेट कर लेते हैं इस तरह से। अब बारी आती है कि बाकी का जो सॉस है ये डालूंगी मैं इसमें। अब बाकी का जितना चीज़ है ये मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। ये देखिए मैं डालती हूँ इसको, हम फिर बेक करने के लिए इसको रखते हैं। इतनी देर बेक करेंगे क्योंकि तमाम चीज़ें इसमें कुक हुई हुई हैं, इतनी देर बेक करेंगे कि चीज़ मेल्ट हो जाए।